टारगेटेड किलिंग जो है वो भारत की तरफ से एक साजिश है ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंतजार फैलाया जा सके। हाथ तो हमारे ही हैं जी, लेकिन जहन जो है वो इंडिया का है। इनोसेंटली आइदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वी आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस रॉ। एग्जैक्टली, इसी को हम हाइब्रिड वॉर वगैरह कहते हैं। मेजर साहब हैं भारत के, ये पहले भी थे आपका। हाँ, हाँ। ये बार बार कभी फिरका वारियत की बात करता है, इसको लगता है कि भारतीय फौज ने और रॉ ने इसी काम पे लगाया हुआ है। अगर भारतीय एजेंट ने कार्रवाई की तो वो पाकिस्तान में आया कैसे, ये आते कैसे हैं? और अगर कोई पाकिस्तानी इंडियन एजेंट बना है तो फिर हमारे इदारे बेखबर क्यों हैं? इकोनॉमिकली तबाह कर दिया जाए, उनके अखलाकियात को तबाह कर दिया जाए, उनकी तरह से माशरत को तबाह कर दिया जाए, उनकी लड़ाइयाँ उनके ग्रुप्स के अंदर इतनी कही जाए, और जिस पे इंडिया गुज़श्ता 50 साल से बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है। यही रॉ का मकसद है उनका, जो अजय देवाल जिसको कहते हैं। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में एक बड़े धार्मिक नेता की सरेआम हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी सहित अन्य नेता तथा वहां के सेना प्रमुख ने आनन फानन में बिना किसी जांच के भारत के खुफिया एजेंसी रा पर इल्जाम डाल दिया कि रा ही इस हत्या के पीछे है, जबकि पाकिस्तान के इस झूठ का पोल वहाँ के धार्मिक नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन में खोल के रख दिया। उलमा एक्शन कमेटी ने दो दिन पहले हुकूमत को मौलाना आदिल और उनके ड्राइवर के कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए 48 घंटों की मोहलत दी थी, जो आज खत्म हो गई है और ना कोई गिरफ्तारी हुई ना ही किसी जिम्मेदार का तायुन हो सका। इसीलिए आज उलमा एक्शन कमेटी ने जुमे को मुल्क भर में पुरअमन हड़ताल का ऐलान कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी तक 48 घंटा हत्या के बाद हो चुके हैं, पर अभी तक न तो पाकिस्तान की पुलिस कोई गिरफ्तारी कर पाई है, न ही यह बता पाई है कि इस हत्या के पीछे किसका हाथ था। पाकिस्तान के झूठ से पर्दा हटाती इस पर चर्चा का अगला भाग आइए सुनते हैं। टारगेटेड किलिंग जो है वो भारत की तरफ से एक साजिश है ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंतजार फैलाया जा सके। अब सवाल अपने पैनल इसके लिए ये है कि क्या भारत जो है वो फिरका वारियत को हवा देने के लिए उलमा को निशाना बना सकता है या नहीं? मेजर साहब हैं भारत के, ये पहले भी थे आपका। हाँ, हाँ। ये बार बार कभी फिरका वारियत की बात करता है, इसको लगता है कि भारतीय फौज ने और रॉ ने इसी काम पे लगाया हुआ है कि पहले पाकिस्तान के अंदर चिंगारियां हैं और फिरका वारियत हो सकती है, ये है और ये है, लेकिन गलत फहमी है पैदा करने के लिए ये किया जा रहा है। देखें, जो जिसको कहते हैं ना हाइब्रिड वॉर और दूसरी अपना फिफ्थ जनरेशन वॉर, वो यही है जी, कि वो असले से नहीं लड़ी जाएगी, उसमें जंगो जजल नहीं होगा, वो वॉर जो है जहनों में लड़ी जाएगी जी, कि जहनों के अंदर इतना इंतशार पैदा कर दो, सेक्टेरियन क्राइसिस क्रिएट कर दो, सूबों को एक दूसरे के खिलाफ कर दो जी, और बहुत सारे जो इंटरनल इश्यूज हैं मुल्क के अंदर उस पर लोगों को तकसीम कर दो। तो यही वो कर रहे हैं। अब ये जो अपना कराची में जो अपना आदिल खान जो एक बहुत जैयद आलमे दीन थे, उनको जो मर्डर किया गया है, तो उसका बुनियादी तौर पर जो मकसद है वो शिया सुनी फसादात कराने का है थी। और ये सारा का सारा इंडिया इंडियन जो हाथ तो हमारे ही हैं, लेकिन जहन जो है वो इंडिया का है। इनोसेंटली आइदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वी आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस रॉ। एग्जैक्टली, यही रॉ का मकसद है उनका, जो अजय देवाल जिसको कहते हैं देवाल डॉक्ट्रिन, वो यही है कि बजाय जंगो जजल हो, अंदर से इनके अंदर खोखला करने की कोशिश की जाती है जी, फर्का पैदा कर दो ताकि ये कौम खोखली हो जाए। बिल्कुल, और लाइक ए हाउस ऑफ कार्ड इट शुड फॉल लाइक ए हाउस ऑफ कार्ड। भारत जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, डिक्लेयर्ड दुश्मन है, उसके साथ हमारी जंगें हुई भी हैं और अभी भी हर तरह से खराबी का मामलात मौजूद हैं, नॉर्मल हालात नहीं हैं, लिहाजा दुश्मन से आप दुश्मनी की ही तवक्को कर सकते हैं ना, वो कौन सा वहां से फूल भेजेगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये दुश्मनी का काम जब दुश्मन ने करना है तो हमारे जो पुलिस है, हमारे जो रेंजर्स है, ये जो हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, ये घास चरने गई हुई हैं,
ये क्या करते हैं, ये वहां पे बैठ के आलू छोले खाते हैं। भारत में ये क्या जो है ये तरीका कार है कि जब भी पाकिस्तान में कोई गड़बड़ हुई, अच्छा जी इंडिया ने ये किया था, उसके बाद भांग पी के सो जाए। यही काम मुझे बताइए कि इंडिया में क्यों नहीं होता, वहां तो ज्यादा मसालिक के मुसलमान आबाद हैं, वहां तो ज्यादा मुख्तलिफ कौमियतें आबाद हैं, वहां तो ज्यादा मजाहिब के लोग आबाद हैं। जब हमारे यहाँ अमन अमान कंट्रोल करने में हमारे इदारे नाकाम हो जाते हैं अक्सर, तो ये भारत पे इल्जाम लगा देते हैं और उसके बाद आराम से ठंडा ठार करके सो जाते हैं, इस तरह जिस तरह इन्होंने अपने सर से मनोटनो बोझ हटा दिया हो। क्या भारत ने जिनों और भूतों के जरिए हमारे लोगों को निशाना बनाता है? क्या वो सरजमीन जो है वो पाकिस्तान की नहीं है? अगर तो बंदे यहीं के हैं तो फिर हमें यहीं पे ढूंढना पड़ेगा। अगर ढूंढने से मौत पड़ती है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करने से मौत पड़ती है, तो क्या आबिद भी क्या इंडियन एजेंट था? वो जो साने है मोटरवे वाला था, अगर भारतीय एजेंट ने कार्रवाई की तो वो पाकिस्तान में आया कैसे, ये आते कैसे हैं? और अगर कोई पाकिस्तानी इंडियन एजेंट बना है तो फिर हमारे इदारे बेखबर क्यों हैं? देखिए बेसिकली देखें, हाइब्रिड वॉर हो या फोर्थ जनरेशन वॉर जो थर्ड जनरेशन वॉर, एक बात बड़ी तय है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने एक दो तीन चीजें तय कर ली थी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने। एक तो उन्होंने ये तय किया था कि जो हमने बाउंड्रीज बना ली हैं, बहुत ही को मुश्किल वक्त आ जाए तो हम उन बाउंड्रीज को चेंज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। और उन बाउंड्रीज के हिसाब से ही हम आजादी देंगे। मतलब हमने अगर अलजजायर बना लिया है तो हम अलजजायर को आजादी देंगे, सूडान बना लिया तो सूडान, उसके बाद 50s में आकर आजादी है उसको देंगे, लेकिन अगर अलजजायर के अंदर कोई चाहता है अलहदा तो फिर नहीं। इसी तरह आप देखें कि जितने मुल्क अफ्रीका के अंदर आजाद हुए हैं, अगरचे कि अफ्रीका को उन्होंने ऐसे काटा हुआ है जैसे केक रख के काटा जाता है, उसके बावजूद भी लड़ाई होती रही है, आधा कबीला इधर है आधा कबीला उधर, उसकी उन्होंने आजादी। पाकिस्तान को खुद देखें ना कि जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया को आजाद करने लगे थे तो बहुत आसान था कि वो ट्राइबल सोसाइटी के हिसाब से उस सारे ट्राइब्स को साथ मिला के रख रहे। मतलब गोरगेज जो है आधे ईरान में आधे यहाँ पर हैं, इसी तरह पश्तूनों के बहुत सारे इलाके वजीरिस्तान में और बलूचिस्तान में, लेकिन नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सेंटिटी। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि वॉर अगर होगी तो उस वॉर के ऊपर अगर कोई टेरिटरी किसी और के पास आती है, आप देखें इसराइल के ऊपर क्यों शोर मचा हुआ है, वो उसकी ये इंटरनेशनल कॉविडेंट है कि वो उसकी हैयत को तब्दील नहीं करेगा। मतलब अगर आप अमृतसर कब्जा कर लेते हैं तो मेरे दादे की कब्र है वहां पर, मेरे दादे का प्रणाम कर, ये नहीं होता कि मैं जाके दादे के घर कब्जा कर लूं, ठीक, या मेरे ननिहाल अगर किसी और जगह से वो जाए, ये नहीं होता, या को अगर इस तरह और वो रहेगी हमारे पास लेकिन उसकी डिस्प्यूट को हम रिजॉल्व कर लेंगे। इसी तरह जब ताशकंद का एग्रीमेंट हुआ तो यही हुआ था कि ये इसका इलाका है, इसको वापस कर दे। सिर्फ छंब और जोड़ियाँ इसलिए पाकिस्तान के पास रह गया था कि वो इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ जितना आगे पीछे हो जाए वो बाद में सेटलमेंट होने तो हो जाए। तो उस इशू के अंदर होता था कि हमने जंग जो है उसको रोक। अब रास्ता क्या रह गया? अब रास्ता एक रह जाता है कि उस मुल्क को इंटरनली इतना तबाह कर दिया जाए, इकोनॉमिकली तबाह कर दिया जाए। उनके ने भी शांति वार्ता का प्रयास किया, उसका या तो तख्ता पलट दिया गया या उसे गद्दार करार दिया गया। अभी हाल में ही आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि एक समय पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत के साथ मित्रता की पहल की थी, पर उसी के दौरान कारगिल का युद्ध हो गया और इस शांति वार्ता को डिरेल कर दिया गया। फिर बाद में उनका तख्ता भी पलट दिया गया और तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने सत्ता ग्रहण कर लिया। पर आपने शासन काल में भी परवेज मुशर्रफ ने खुद भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और इसका परिणाम उन्हें भी भुगतना पड़ा। उनको भी पिछले दिनों एक स्पेशल कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा गद्दारी के आरोप में सुनाई है। पाकिस्तान में यह आम बात है। नवाज शरीफ तथा परवेज मुशर्रफ आज की तारीख में पाकिस्तान में भगौड़ा घोषित कर दिए गए हैं और दोनों पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं। पाकिस्तानी समाज की संरचना अब आप समझ ही गए होंगे। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।